हमीरपुर जिले की तहसील सरीला अंतर्गत आने वाले ग्राम पवई में ग्रामवासियों ने पानी की टंकी की मांग को लेकर काले झंडे दिखाए और नारे लगाकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। सभी ग्रामवासियों ने कहा कि पानी की टंकी नहीं तो वोट नहीं, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। समाजसेवी मुन्नालाल कुशवाहा ने बताया कि उनके गांव में पिछले 15 वर्षों से पानी की समस्या है। मुन्नालाल कुशवाहा, उपेंद्र राजपूत, शर्मन राजपूत, हंसराज प्रजापति, राव रानी राजपूत, मुन्नी देवी, राजकली, बबली, शांति देवी एवं अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मुन्नालाल कुशवाहा। किस संबंध में ये नारे लगा रहे हैं आप? अरे, हमारे गांव में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गांव में पहाड़ियां है, इसलिए कोई हैंडपंप सफल नहीं हो पा रहा, रिबोर सफल नहीं हो पा रहा। कितने दिन से ये समस्या? ये हमारे करीब 15 साल समस्या है। अच्छा, तो जो है आपने क्या निर्णय लिया फिर? इस बार निर्णय लिया कि बीच बीच में जब चुनाव आते हैं तो हमसे पूरी जनता का वोट ले लिया जाता है और बाधे कर दिए जाते हैं। तो इस कम से कम 6 चुनाव करा चुके हैं, विधायक आए, सांसद आए, जीत के चले गए, दोबारा गांव की शक्ल नहीं दिखाई, समस्या बड़ी जस्ट बनी हुई है, इसलिए इस बार खुल के बहिष्कार करेंगे। मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं आप, तो ये जो है जैसे आप बहिष्कार कर रहे हैं तो नेता वोट मांगने आएंगे तो उनको आपका क्या जवाब रहेगा? नेता से यही जवाब, अभी तक हमारे को ठगा गया है, अब हम ये सोचते रहे कि कोई वोट नहीं डालेंगे, हमारे यहाँ पानी की पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की टंकी होनी चाहिए जी। धन्यवाद।